नमस्कार, मैं विक्रम आज आपको लेकर आया एक समाज सेवी ज्योति जी के पास, जहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या क्या समाज सेवा के काम वो करती रहती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक पुस्तक मेला रविंद्रालय में लगाया था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की थी। और आइए हम बात करेंगे किन किन तरह की समाज सेवा ज्योति जी करती रहती हैं। नमस्कार, मैं ज्योति किरण रत्नन लखनऊ से, और मैं बेसिकली फोक से जुड़ी हुई हूँ। मैं लोक नृत्यांगना हूँ, लोक आर्ट पर मैंने बहुत काम किया है, और लोक रंगोली इत्यादि की बहुत सारी वर्कशॉप मैंने ऑर्गेनाइज़ की है। लखनऊ में मैंने करीब इस स्तर पर महिलाओं को लगभग 1500 से ऊपर महिलाओं को मैंने वर्कशॉप के ज़रिए रोज़गार उपलब्ध कराया, जिसमें वो जिन्होंने रंगोली है, ज्वेलरी मेकिंग है, लिफाफे बनाना, इस तरह के छोटे छोटे घरेलू उद्योग जिसमें वो कम से कम पैसे लगा के काम कर सके, उन्होंने किया और आज कर पा रहे। कुछ समय से हम सक्रिय नहीं हो पाए थे उतना ज़्यादा, लेकिन अब जब महिलाएं वो काम मिलती है, मुझे बताती है कि हम ये काम कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने मेरे जो सिखाए कार्य को आगे बढ़ाया। तो एक महिला होके महिला की ताकत बनना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि जो मेरे पास कला है वो मैंने कम से कम नहीं तो 1500 वर्कशॉप के ज़रिए 1500 वर्कशॉप के ज़रिए मैंने कम से कम नहीं तो 3-4 हज़ार महिलाओं को रोज़गार के रास्ते दिखाए। तो एक रास्ता दिखाना, हमें शिक्षा पाना ही हमारा उद्देश्य नहीं रहा, शिक्षा के ज़रिए दूसरों कहते हैं शिक्षा बांटने से बढ़ती है। जी बिल्कुल, शिक्षा बांटने से बढ़ी है, और जो हमारे सिखाई हुई महिलाएँ या बच्चे जिन्होंने हमसे सीखा और आगे बढ़ कर गए, तो मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया और आगे कहीं ना कहीं लेके अलग अलग शहरों में भी पहुँच गए वो लोग। तो वो एक हमारा एक विस्तार हुआ कि हम अकेले थे, हमारे साथ एक कारवां बन गया, बहुत दूर चला गया, वो टीम बन गई। लेकिन हमने बताया उनको अपने पास, कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी को सिखाया तो अपने पास बांध के रखते, बस मैंने उनको 10 दिन में, और ये जो भी ट्रेनिंग मैंने दी है लोगों, 8 से 10 दिन में सिखाया। 8 से 10 दिन कोई भी मेरे पास आता है, मैं उसको कहता मुझे ये आता है। आप एक हुनर दे के लोगों को आप छोड़ देती हैं कि आप अपना काम आप स्वयं कर सकते हैं, आपको मैंने वो शिक्षा दे दी जो आपके लिए ज़रूरी थी, जो उनकी बजट है, जो उनकी काबिलियत है, जो उनका हुनर है, उसको हम और निखार के पॉलिश करके आगे बढ़ा देते और वो उस पर काम करते रहे। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है सिर्फ चूल्हा बर्तन चौका में ही नहीं, आज के टाइम में महिलाएं इतनी ऊर्जावान हो चुकी हैं कि बाहर निकलकर वो काम भी करती हैं। तो ज्योति जी उनको एक उद्योग के तौर पर छोटी मोटी चीज़ें बताती हैं, जिससे वो घरेलू खर्चे भी निकाल सकें और अपना पेट भी पाल, बिल्कुल बिल्कुल परिवार पाल रही है, पेट पालना, परिवार पालना, घर चला रही है, बहुत अच्छा। और मैंने उनको ऐसी चीज़ें सिखाई जैसे कि मेहंदी लगाना एक आज बिजनेस हो गया, लोग फिल्मी कलाकार लाखों की मेहंदी लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर हमारे सिखाए हुए बच्चों को 1000-1200 रुपये भी अगर एक मेहंदी का मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो रोज़ हर त्यौहार पर मेहंदी है, तीज है, करवा चौथ है, होली दिवाली से लोग जाते हैं तैयार होने के लिए पार्लर में, तो मेहंदी लगा के वो लोग घर में जाकर के सिखाती हैं और लगाती हैं, तो उनको भी एक आमदनी मिल ही रही है। मतलब इसमें बिना पैसे का एक बिजनेस ही है ये छोटा सा। बहुत कम पूंजी में एक हुनर को और पॉलिश करना। क्या क्या उद्योग सिखाए? मैंने उन लोगों को सिखाया कि चिकनकारी मैंने सिखाई जिनको एम्ब्रॉयडरी आती है, और इसके अलावा बोनसाई बनाना सिखाया, गिफ्ट पैकिंग करना सिखाया, पुराने कपड़ों से जैसे कहते कथरी वगैरह बनाते, पावदान बनाना, तो लोग हर एक के घर में पुराने कपड़े बहुत होते हैं, तो पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके उसका कुछ नया इनोवेशन, बैग बनाना या बेडशीट बनाना या पावदान बनाना, जिससे उनका पुराना सामान भी इस्तेमाल हो जाए और पैसा कम लगे। जैसे कि शिक्षा की जहाँ बात आती है, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी जो भी उसकी जानकारी है उसको लोगों तक बांटता है, तो हाल ही में आपने पुस्तक मेला लगाया था, तो किताबों से क्या शिक्षा आपको मिलती है? किताबों से पुस्तक मेला तो जिन्होंने लगाया, संस्था एक पूरा बड़ा ग्रुप काम कर रहा है पुस्तक मेला लगाना, 16 साल हो गए लगाते हुए, और अभी हमारा 28 सितंबर से फिर से एक मेला लग रहा है मोती महल लॉन में, पुस्तक मेला 16वां पुस्तक मेला है। मुझे खुशी है कि 16 साल से इस कार्य में जुड़ी हूँ, और मैं पुस्तक मेले में पढ़ के कहीं ना कहीं हम शिक्षित, बिल्कुल किताबों से पढ़ के शिक्षित होते हैं, शिक्षा पाते हैं, और मेरा प्रिय विषय रहता है बच्चे, वो बच्चे हमारे साथ बहुत
होते हैं उनके साथ हम वर्कशॉप करते हैं, उनके साथ नाचते गाते और गीत प्रतियोगिताएं, हमारा 15-16-10 दिन के मेले में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिससे बच्चे हमसे जुड़ते हैं आकर। तो ये मेरा, मैं एक एज ए पार्ट उसमें काम करती हूँ, लगाने वाले मेले दूसरे हैं, मैं एक टीम वर्क की तरह उनके साथ में रहती हूँ। तो महिलाओं की ताकत बनके आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक मैं दिशा में एक जा रही हूँ। मैं अकेले काम कर रही हूँ, मैंने किसी को संस्था बॉडी बड़ी बनाई है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसमें एक अकेले होकर के मैं एक नेतृत्व करती हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, मुझे लगता है। और आज मेरी सफलता इस बात पर निर्भर करती है, सालों के बाद मेरा आउटपुट यही है कि जो आ रहा है मुझे मिलता है, एक लगता है कि जब वो मिलता है तो मुझे कहता है कि मैम आपने मुझे सिखा दिया, आपने मुझे बना दिया। अच्छा, कैसा लगता है जब कमज़ोर वर्ग के लोगों को आप शिक्षित करते हैं, एक उद्योग की ओर ले जाते हैं, तो कैसा लगता है आपको कि जो अभी तक कुछ नहीं कमा पा रहे थे, अपनी जीविका नहीं चला पा रहे थे, आपके सिखाने पे चलाते हैं और आपसे फिर टकराते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरे पास आते हैं। आप यकीन नहीं करिए, बहुत पहले की मैं बात, वाक्या है मेरे साथ में, एक महिला थी बहुत गरीब, मैंने वो मेरे घर के बाहर कूड़ा बीनने आती थी। तो मैंने कहा तुम कूड़ा बीनती, अच्छी खासी हेल्थ थी, एज भी सही थी, मेरे ख्याल से 25-26 की एज लगभग रही होगी उसकी। तो हमने कहा तुम कूड़ा बीनती हो, तुम क्या करती हो आकर के? तो मैंने उसको कहा कि कहेगी बहू जी हमको और कोई काम ही नहीं आता है, हम कूड़ा ही बीन सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं, हम क्या करें बताइए। तो हमने कहा चलो तुमको कुछ सिखाते हैं। तो हमने कहा तुम जा करके एक काम कर सकती हो, पुराने सबके घरों से अखबार मांग सकती हो कि कूड़ा बीन के लाती हो, अखबार मांग सकती हो? कह लेंगे हाँ मांग लेंगे। उन्होंने कहा अच्छा कूड़ा ही बीनती हो, चलो कूड़े में पन्नियाँ बीन लो। तो पन्नियाँ बीनी उसने, तो पन्नियों के हमने उससे कुछ छोटे छोटे बैग बनवाए, पावदान जैसे कपड़े के मिला करके अखबार के बना के थैले बनवाए, और उसने उसको बेचा। हमने कहा कुछ मत बेचना, तो बस इसको 1-1 रुपए का बेचना। अब उसने 1-1 रुपए का थैला बना करके बेचा था, और वो लड़की अब मेरे ख्याल से उसमें कलकत्ता चली गई, वो तो वो उसने 1-1 रुपए का बना के उस समय लखनऊ में बेचा। तो बाद में जब आई तो एक दिन मुझे उसने खूब सारे 1 रुपए के सिक्के ढेर सारे पूरे थैला भर के दिखाए कि बहू जी देखो इतने सारे आज हमें थैले बेचे। तो हमने कहा देखो तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगा, तुमने जो कूड़ा बीना था कूड़े को ही तुमने नया बना के बेच दिया और वही तुमको पैसा मिल गया। वो इतनी खुश हुई थी और कहले कि अब हम जाके हम यही वाला काम करेंगे। अब वो उसने जाके उसको कलकत्ता में उसको काम करना शुरू कर दिया है, और मैं कई लोगों को कई हाँ वो अब सिखा रही है, उसके साथ में 3-4 लोग मिलकर उसका पूरा परिवार लगा हुआ है इसमें। तो ये थी हमारे साथ ज्योति जी, जो कि समाज सेवा भी करती हैं और महिलाओं को प्रशिक्षित भी करती हैं, कई उद्योग उन्होंने महिलाओं को दिए जिससे आज महिलाएं अपना रोजगार भी चला रही हैं, अपना घर का पालन पोषण भी कर रही हैं। एक कहीं ना कहीं महिलाओं को दबा कुचला पहले समझा जाता था, लेकिन आज के टाइम में महिलाएँ उभर के सामने आ रही हैं और देश की तरक्की में कहीं ना कहीं महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान देखा जा रहा है। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिए हमारे ST न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताज़ी खबरें।